work on stairs by the trip advisor. AK reception, security hai, CCTV hai. अपने घर में ही हूँ. The detailing, spacious and nicely decorated. ने हाथों से सजाया. Thought of extending one more day over here. An awe-struck view. पूरी फैमिली बैठ के. ब्लू हवेली है. Here in the city is very pleasant. जब भी हम लोग कोई वेकेशन प्लान करते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला इशू ऑफ कंसर्न होता है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे जहाँ स्टे करने वाले हैं, वो जगह हमारे लिए सेफ है कि नहीं, हमारे बजट में वो जगह होगी कि नहीं, वहाँ पे हमारा स्टे एक लग्जरी होटल जैसा होगा कि नहीं, हमारे घर जैसा कम्फर्ट होगा कि नहीं. अगर आप जयपुर में आ रहे हैं ना, प्लान कर रहे हैं अपना जयपुर का वेकेशन, तो आपको जयपुर में इस चीज की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. बिकॉज मैं आज मैं आपको लेके आई हूँ ऑल सीजंस होम स्टे. यस, ऑल सीजंस होम स्टे आपके बजट फ्रेंडली स्टे होने वाला है. प्लस यहाँ पर आपको एक लग्जरी होटल का फील आएगा. आपको यहाँ पर होम कुक्ड फूड भी मिलने वाला है. मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, बहुत ही प्यारा सा गार्डन है. अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऑल सीजंस होम स्टे की रिसेप्शन में. If you are looking for a perfect, luxurious, budget-friendly and safe place to stay in Jaipur, look no further. All Seasons Homestay is located in the heart of the Pink City and close to all the main tourist attractions of Jaipur. Yahan aapko feel hoga warmth of your home and luxury of a hotel. And yes, yahan aap apni koi family get-together bhi kar sakte hain, wedding celebration ya phir photo shoot bhi karwa sakte hain. डिस्क्रिप्शन में मैं बुकिंग नंबर और लोकेशन का एग्जैक्ट लिंक शेयर कर रही हूँ. यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड बुक योर लग्जूरियस स्टे एट ऑल सीजंस होम स्टे. ऑल सीजंस होम स्टे में एंटर करते ही देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वुड कैच योर अटेंशन. द वुडन वर्क ऑन स्टेयर्स, लैंटर्न्स हैंगिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, कलरफुल विंडोज एंड द व्हाइट मार्बल फ्लोरिंग. All Seasons Homestay at Jaipur is ranked at number 10 in India by the Trip Advisor. It is cozy, comfortable, safe and secure as your own home. Wow, lovely. सो गाइज, ये है ऑल सीजंस होम स्टे की रिसेप्शन. यहाँ पे रिसेप्शन का काउंटर है, मैं अभी आपको मिलवाती हूँ उनसे. प्लस ये जो है, ये है ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम बनाया गया है. प्लस मेरी राइट साइड पर डाइनिंग रूम है. इसके लिए आपको बड़े नॉमिनल से चार्जेस पे करने पड़ेंगे. होम कुक्ड फूड है यार, घर से बाहर आप निकल रहे हो, घर का बना हुआ खाना मिल रहा है आपको, आपको और क्या चाहिए. हाय, सो सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताइए. मैडम शुभोजीत है. शुभोजीत जी, सो शुभोजीत जी है मेरे साथ. तो बताइए यहाँ पर टोटल कितने रूम्स है इस होम स्टे. टोटल इस होम स्टे में हम लोग के पास गेस्ट के लिए 14 रूम्स है. okay. जिसमें से 2 डीलक्स और बाकी 12 सुपर डीलक्स रूम्स है. अच्छा, हाँ. एंड चार्जेस क्या है रूम्स के. अभी हम लोग का सुपर डीलक्स चल रहा है 2800 से 3000 रुपया. इट डिपेंड्स ऑन वीकेंड्स ऑल्सो. ओके, वीकेंड्स. अच्छा, वीकेंड्स और दिसंबर में भी हम लोग का थोड़ा पीक सीजन में थोड़ा रेट. तो कितना कितना हाइक हो जाता है. 3200 तक हो जाता है. होम कुक फूड मैंने सुना है. अच्छा, तो उसका क्या चार्जेस. उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे. हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस है उनके लिए. जैसे लंच और डिनर में हम लोग देते हैं 500 रुपीज ईच हम लोग लेते हैं एज अ थाली. अनलिमिटेड थाली, वहाँ बैठ के आपका डाइनिंग हॉल है. अनलिमिटेड थाली फॉर 500 रुपीस. ठीक. एंड ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में दो गर्म चीजें देते हैं. तो मुझे 300 रुपीस पर हेड. एक होटल में और एक ये इस होम स्टे में क्या डिफरेंस. जैसे कि आप देख सकते हो एम्बियंस, ओके, फैसिलिटीज, ओके, स्पेशियस एंड होम कुक फूड. होटल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है गेस्टों को भी, या वैसे कुछ भी नहीं है. यह सब ओके. सो गाइस, ये है डाइनिंग रूम. बहुत ही प्यारा सा डाइनिंग रूम बनाया हुआ है. यहाँ पे इंटीरियर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं.
मतलब बाहर से आप लोग घूमने आ रहे हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मतलब अपने घर में ही हूँ, बिल्कुल भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं किसी होटल में रुकी हुई हूँ या किसी लाउंज में हूँ। एक सेटअप जो डाइनिंग का है वो यहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठ के भी खाना खा सकते हैं। बाहर भी देख रहे हैं टेबल्स चेयर्स लगा रखी हैं, वहाँ भी आप बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। जयपुर में जो मॉन्यूमेंट्स है वो तो एंजॉय करें ही करें, साथ ही साथ राजस्थानी क्यूजींस को भी एंजॉय करें। सो यहाँ पर आपको लोकल फूड भी खाने को मिल सकता है, आप ऑर्डर कीजिए, आपको होम कुक्ड फूड मिलेगा, बिल्कुल देसी घर वाला फील आपको आएगा। एंड चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑल सीजन होम स्टे की किचन। किचन भी बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन रखी हुई है, बहुत ही स्पेशियस है। आपको एक खास बात बताती हूँ कि होम स्टे मीन्स आप बिल्कुल घर जैसा ही स्टे आपको मिलता है यहाँ पर। होम स्टे में स्टाफ का खाना, गेस्ट का खाना, घर का खाना सब एक ही जगह बनता है, कोई सेपरेट किचन नहीं है कि अगर आप गेस्ट आए हैं तो आपके लिए सेपरेट किचन होगा, नहीं, सब खाना जो है सबके लिए एक ही किचन में बनता है। ये है चंपा, ये खाना बनाती हैं सबके लिए। सो बताइए आप कितनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हो? हाँ, 10-15 साल हो गए हैं। सो 10-15 साल से चंपा सबके लिए खाना बना रही हैं किचन में, एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन रखी हुई है आपने किचन, वेरी गुड, दैट्स नाइस। ये सब भी एंजॉय करते हैं जयपुर में आके। सो आप जयपुर आइए, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप कहीं बाहर रुके हैं, घर वाला ही फील आने वाला है आपको। चलिए मैं अब आपको बाहर चल के दिखाती हूँ बाहर क्या सेटअप है। ओके, सो अंदर का डाइनिंग एरिया मैंने आपको दिखाया है, ये ओपन में भी एक सेटअप किया गया है, अपना फूड आप यहाँ भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। हर एक चीज़ का यहाँ पे इतना ध्यान रखा गया है। अब आप इसकी सीलिंग देखिए डाइनिंग रूम की, वाओ, लुक एट द डिटेलिंग, अमेजिंग। और ये सारी हैंड पेंटेड सीलिंग्स हैं, एंड टोटल मैंने आपको बताया यहाँ पर 14 रूम्स हैं, जिनमें से 2 रूम्स हैं डिलक्स रूम एंड 12 रूम्स हैं सुपर डिलक्स रूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिलक्स रूम। Rooms at All Seasons Homestay are very clean, spacious and nicely decorated with lots of ventilation. आपको ना यहाँ पर एक बहुत ही रॉयल वाला फील आने वाला है। इस डिलक्स रूम इतना कंफर्टेबल है, बेड भी काफी कंफर्टेबल है, तो ये इतना कंफर्टेबल मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला रूम, तो सोचिए सुपर डिलक्स रूम कितना अच्छा होगा। ओके, सो ये है वॉशरूम, वॉशरूम से बाहर निकलकर ये जो है ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फुल लेंथ मेरे को मिरर कहीं मिल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप चाहें तो स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए लिफ्ट्स भी हैं। ग्राउंड फ्लोर मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर बनाए गए हैं टोटल 8 रूम्स। चलिए, और हर रूम को अलग एक मंथ का नेम दिया गया है, जैसे इस रूम का नेम है कार्तिक एंड दिस इज अश्विन। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप खुद आके खाना बनाएं, चाय वाय कुछ भी आप बनाना चाहें, तो आपको यहाँ पर किचन भी प्रोवाइड की गई है। ये देखिए माइक्रोवेव भी है एंड इंडक्शन भी है, फ्रिज भी है, आपको सब कुछ आरओ भी दिया गया है। ओके, सो क्रॉकरी भी आपको थोड़ी सी प्रोवाइड की गई है। एंड अगर आप यहाँ खुद खाना नहीं बनाना चाहते, नीचे से भी खाना ऑर्डर नहीं करना चाहते, तो आप स्विगी या जोमेटो से भी, आप बाहर से भी खाना मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, बहुत ही प्यारा सेटअप है। थोड़ा सा यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि गेस्ट आते हैं बाहर से, उनको कुछ ना कुछ नया एडिशंस देते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उनको दिखाते रहना चाहिए नया जयपुर के बारे में, राजस्थान के बारे में। सो बहुत ही प्यारा, मुझे ये विंडो बहुत प्यारी लगी है, ये देखिए कलरफुल विंडोज। ऑल सीजन्स होम स्टे इंडियंस एंड फॉरेन टूरिस्ट का फेवरेट बनता जा रहा है। किसी भी गेस्ट से जो यहाँ आके स्टे कर चुके हैं, अगर आप उनके रिव्यूज लेंगे ना, तो दे ऑल आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद देयर स्टे। सभी गेस्ट ये बात बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ऑल सीजन्स होम स्टे के ओनर से लेके यहाँ के स्टाफ, इवन यहाँ आने वाले गेस्ट, सभी का खाना एक ही जैसा बनता है, विच इज ट्रूली अप्रिशिएटिव। अब मैं आपको दिखाती हूँ सुपर डिलक्स रूम। यहाँ मुझे सभी रूम्स का डेकोर तो अच्छा लगा ही, बेड लिनन्स की चॉइस भी फैंटास्टिक थी। ऐसा लगा जैसे बड़े प्यार से अपने हाथों से सजाया गया है हर रूम को, जैसा कि हम सब अपने घर को डेकोरेट करते हैं।
ओके सो बैल्कनी है सुपर डिलक्स रूम के साथ अटैच्ड, आपकी यहाँ पर बैठ के आप मॉर्निंग टी इंजॉय कर सकते हैं अपनी। वॉशरूम्स का साइज भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और साथ ही एक मिनी वार्डरोब टाइप भी आपको दिया गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे साथ हैं समीरा जी जो आई हैं मुंबई से जयपुर घूमने के लिए। सो हाय समीरा। हाय। सो कैसा लगा आपको पहले ये बताइए। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट यू नो हमने यहाँ पे 4 nights बुक किया था। ओके। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेस ओवर हियर, पीपल ओवर हियर, वी थॉट ऑफ एक्सटेंडिंग इट वन मोर नाइट। ऑल दो हमारा जर्नी बहुत बड़ा है, आई मीन लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई, देन उदयपुर, देन जयपुर, देन हिमाचल प्रदेश, ऑल द वे ड्राइविंग एंड देन वी केम बैक टू जयपुर जस्ट फॉर रिलैक्सिंग। सो वी थॉट ऑफ एक्सटेंडिंग वन मोर डे ओवर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल ओवर हियर, अंजना मैम एंड वन मोर मैम इज देयर ओवर देयर, बीना मैम, बीना मैम, दे आर एक्सीलेंट पीपल। सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, होटल्स बुक करने हम तो हमेशा चाहते हैं लीजर, बट अगर होम स्टे बुक करना है तो प्लीज डू बुक ऑल सीजन होम स्टे। एंड खाना का कैसा लगा आपको, फूड कैसा लगा यहाँ पे आपको? वी वर क्रेविंग फॉर होम मेड फूड बिकॉज सिंस लास्ट 12 days we are traveling, right? Okay. So we were just having hotel ka khana. Okay. यहाँ पे आने के बाद on the first day itself, Rachna ma'am was there. She served us the food and we were like feeling like king and queen. I mean like कैसे इतना अच्छा feel हो। Okay. Home away from home, है ना? Home Achha, away yeah, from yeah, home. Yeah. And we were craving for घर का दाल राइस. Such में a home away from home. एक लग्जूरियस होटल की जगह ऑल सीजन होम स्टे में ही स्टे करना पसंद करते हैं सभी टूरिस्ट। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर में बनाए गए हैं टोटल 5 rooms, मैं दिखाती हूँ आपको। सेकंड फ्लोर पर हर रूम को नेम दिया गया है सीजन का, जैसे ये रूम का जो नेम है वो है शरद एंड ये है वर्षा, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ वसंत रूम में। चलिए इस रूम की वॉल वॉज डेकोरेटेड विद ब्रोकन पीसेस ऑफ मिरर विच वॉज गिविंग एन ऑस्ट्रक व्यू। वाओ। एंड सेकेंड फ्लोर पर ये देख रहे हैं ये बनाया गया है कॉमन एरिया, सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बनाई गई है, और ये आप देखिए यहाँ पर बनाया गया है प्रोजेक्टर, मीन्स गेस्ट यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इकट्ठे, जैसे कोई अगर आप मैच एंजॉय करना चाहते हैं या फिर कोई मूवी एंजॉय करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये प्रोजेक्टर भी बनाया गया है यहाँ पर, आप अपने आराम से सोफ़ा पर बैठ के जैसे घर में हम लोग करते हैं, पूरी फैमिली बैठ के मूवी वॉच करती है। एंड कॉमन एरिया में ये देखिए इधर वॉशरूम भी बनाए गए हैं, आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी आप लेट चेक इन हो गया आपका या फिर अर्ली चेक इन है तो आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक किचन का सेटअप भी दिया है, किचन भी बनाई गई है यहाँ पर, गेम्स भी खेल सकते हैं अगर आप बोर हो रहे हैं। कॉमन एरिया के वॉशरूम में जो वॉल पर ब्लू टाइल्स थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे एक ऐसा रूम है जहाँ पे है ट्विन बेड्स, एक ही रूम ऐसा है जहाँ पे ट्विन बेड्स बनाए गए हैं, मैं अब आपको वो वाला रूम दिखाती हूँ। दिस रूम्स इंटीरियर्स आर डन विद एस्थेटिक जयपुर वाइब्स, मतलब मुझे अगर ऐसे रूम में स्टे करने को मिले ना तो मैं तो यही विश करूंगी कि मेरी वेकेशन कभी ओवर ही नहीं हो, मैं घर ही नहीं जाना चाहूंगी, यही रहना चाहूंगी हमेशा के लिए। LED भी दिया गया है यहाँ पे, कॉर्नर में स्टडी टेबल भी रखा गया है। हर रूम के साथ आपको दी जाती है एक पर्सनल बैल्कनी, और इसकी बैल्कनी में तो ये छोटा सा एक अनार का पेड़ भी था, और देखिए कितने सारे क्यूट क्यूट से अनार भी थे उस पे। और ये है इस रूम का वॉशरूम। वॉशरूम्स तो मुझे हर रूम में बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही स्पेशियस लगे। कॉमन एरियाज का डेकोर भी बहुत ही अच्छा है, मतलब ऑल सीजन होम स्टे के हर कोने में ना आपको बिल्कुल घर वाली ही फील आएगी।
रूफ टॉप भी यहाँ पे 3 levels में बना हुआ है। फर्स्ट लेवल पे मैं अभी आपको लेके चलती हूँ। रूफ टॉप के फर्स्ट लेवल पर आके ऐसा लगा जैसे ये कोई होम स्टे नहीं है, जयपुर की ब्लू हवेली है। हैंड पेंट है और हैंड पेंट ये मिरर वर्क है, यहाँ पे रियल मिरर्स लगाए गए हैं, हैंड पेंटिंग की गई है। तो गाइज अभी मेरे साथ हैं स्पेन से आए हुए गेस्ट, वो भी स्टे कर रहे हैं ऑल सीजन होम स्टे में। सो हाय, हाय, हेलो, आर यू कंफर्टेबल ओवर हियर? यस यस यस, इट्स अ क्वाइट प्लेस। हाउ द ऑल नॉइज हियर इन द सिटी इज वेरी प्लेजेंट। वी फाउंड ऑन इंटरनेट, ओके, सर्चिंग इन बुकिंग, आई थिंक, या इन बुकिंग, ओके ओके। हाउ डिड यू फाइंड द फूड? Delicious. Yeah, okay, yeah. Okay. And guys, अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जो ओपन स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी पर्सनल पार्टीज भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर केटरिंग भी हो सकती है, 200 persons तक आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी प्रोजेक्टर लगाया गया है, ये देखिए, मीन्स यहाँ पे आपकी पार्टी चल रही है प्लस प्रोजेक्टर पे आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं या फिर कोई मूवी एंजॉय कर रहे हैं या फिर आप क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे हैं। और तीनों फ्लोर्स पे लगाया गया है स्विंग, ये देखिए, सुबह की चाय आप यहाँ बैठ के एंजॉय कीजिए, प्लस पूरी सिटी का व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। रूफ टॉप के लेवल 1 पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल प्लांट्स हैं, ये इस ओपन स्पेस को और भी सुंदर बना रहे हैं। एंड गाइस, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ रूफ टॉप के सेकेंड लेवल पर। एंड सेकेंड लेवल पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पर एक बार का सेटअप दिया गया है, जैसे आपकी पार्टी चल रही है रूफ टॉप पे, और यहाँ पे पूरा एक बार का सेटअप दिया गया है। और इधर बनाया गया है जिम। इफ यू डोंट वॉन्ट टू मिस योर डेली एक्सरसाइज रूटीन ड्यूरिंग योर वेकेशन, यू कैन डू योर वर्कआउट हेयर। और ये टेबल टेनिस भी है यहाँ पर, अगर आप खेलना चाहते हैं तो इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे ये सेट करके देंगे आपको टेबल टेनिस। एंड ये रूफटॉप के सेकंड लेवल पर सिटिंग एरिया है, बहुत ही स्पेशियस है, जिम के बाहर ही सिटिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पर बनाई गई है लाइब्रेरी, कैरम भी खेल सकते हैं यहाँ पर। ये बेसिकली बनाई गई है लाइब्रेरी प्लस रिक्रिएशन रूम। और ये है रूफ टॉप का लेवल 3, यहाँ पर भी स्विंग, मैंने आपको बताया कि हर लेवल पर स्विंग बनाए गए हैं यहाँ पर। और मेरे सामने मैं देख पा रही हूँ उस साइड है नाहरगढ़ फोर्ट, वो देखिए, वो आप देख रहे हैं, वो है नाहरगढ़ फोर्ट, जयपुर का फेमस रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट ओम टार है। रूफ टॉप के लेवल 3 पर पूरी जयपुर सिटी का 360 degree व्यू मिलेगा आपको, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की गई है, मुझे यहाँ पर ब्रिंजल्स भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे ग्रीन चिलीज, टोमेटोज, सो बिल्कुल घर जैसा ही माहौल लगा। मैंने यहाँ पे शूट किया, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी होटल में या लाउंज में शूट कर रही हूँ, बिल्कुल घर जैसा ही माहौल है। सो नेक्स्ट टाइम आप जयपुर अगर प्लान कर रहे हैं ना विजिट अपना, तो आपको कहीं भी बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल सीजन होम स्टे में आप यहाँ पे स्टे कीजिए, आई गारंटी यू कि आप अपना स्टे एक्सटेंड करने वाले हैं। आई होप आपने आज का वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ नया, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग योर लाइफ, ओके, नाउ व्हाट?